नमस्कार एन के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 के जरिए इसके अलावा बहुत से माध्यम हैं जिनके जरिए आप सभी हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं एज यू ऑल नो दैट आई यूट्यूब चैनल इज़ एन ऑफिशियल और दर्शकों आपको बता दें कि ये विशेष सत्र जो है ये सोशल साइंस का है कक्षा नवी के सभी विद्यार्थियों के लिए और आज हम एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे

बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार और साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यदि कोई भी आपके सवाल हैं तो बेझिझक आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं एन सी ई आर टी ऑफिशियल यानी हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में इसके अलावा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी ई मेल आई के जरिए तो कक्षा नौवीं के सभी विद्यार्थियों के लिए एक आधिकारिक ई मेल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो बिना विलम्ब करते हुए चलिए अपने इस कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सर आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या, -क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्या कुछ हम सीखेंगे ओके okay. <laughs> आज हम क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर टू है कॉन्स्टिट्यूट डिज़ाइन इसके फर्स्ट पार्ट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है बिल्कुल उसके नियम क्या हैं क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में सोसाइटी में क्या है समाज और देश के लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटिन और अनरिटिन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी देश और राष्ट्र को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल। तो आ, सर सबसे पहले क्यों ना शुरुआत करें इससे कि संविधान क्या होता है और संविधान की किस भी देश को सामान्य भाषा में बात करें तो जरूरत क्या पड़ती है अगर हम देखें कि जैसा मैंने अभी बताया है कि संविधान कुछ जो नियम होते हैं कानून होते हैं उनका लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है डॉक्यूमेंट होता है जिससे कोई भी देश अपनी सरकार को चलाने के लिए अपने नागरिक को अधिकार देने के लिए कि क्या उनके कर्तव्य हैं क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं क्या उनके राइट्स हैं तो संविधान जो है समाज और व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है अगर हम ये कहें कि जो है संविधान के बिना कोई भी राष्ट्र अपनी शासन व्यवस्था नहीं चला सकता तो ये अतिशोक्ति नहीं होगा नियम हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और नियमों के बिना हम रह नहीं सकते जैसे हम उदाहरण के लिए देखें कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाने का हमारा एक नियत एक निश्चित समय होता है उसी समय के पर जाते हैं जब क्लास टीचर अपने क्लास को बच्चों को क्लास लेते हैं तो उनका भी एक निश्चित समय होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर क्लास लेते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जी। जैसे अगर हम देखें इसको और आगे देखें उदाहरण के लिए हम जब सड़क पार करते हैं तो रेड लाइट पे तीन लाइटें होती हैं ग्रीन ब्राउन और रेड रेड इस बात की इंडिकेट करती है कि हमें रुकना है हमें जाना नहीं है और ग्रीन ये इस बात को इंडिकेट करती है कि रास्ता साफ है आप जा सकते हैं अगर हम इसके विपरीत जाएंगे तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर रेलवे ट्रैक पर हम देखें तो हम रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए जब क्रॉसिंग क्लोज होता है तो इस बात का इंडिकेट होता है कि हमें जो है क्रॉसिंग को पार नहीं करना है जो लोग इसको इग्नोर करते हुए क्रॉसिंग पार करते हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं तो अगर हम देखें कहें कि संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो हमारे जीवन हमारे समाज हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है ए ए कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट सिटीजन एंड गवर्नमेंट मस्ट फॉलो हर प्रत्येक नागरिक को इसको फॉलो करना होता है कि कोई भी सरकार है वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करती है कोई भी सरकार चुनी हुई हो वो संविधान के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि संविधान उनको उनकी ड्यूटीज उनके राइट को जो है उसमें एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहे कि हां मैं फ्री हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि संविधान ही हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य को निश्चित करता है बिल्कुल तो हमें संविधान के बारे में पता चला और संविधान का क्या महत्व होता है उसके बारे में भी हमने समझा तो सर आज क्योंकि हमारा जो विषय है वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका का क्या, क्या कोई लिखित संविधान है इसके बारे में थोड़ा और बताएं यस मैडम जो है साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और उसका एक लिखित संविधान है लेकिन साउथ अफ्रीका जैसा हम जानते हैं साउथ अफ्रीका अफ्रीका को कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है वहां डाइवर्स कल्चर है डाइवर्स लैंग्वेज है बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं और वहां साउथ अफ्रीका को अगर हम देखें तो वहां मिनरल्स के लिए जो वहां के खादान हैं जो सोना वहां हीरा इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण धातुएं पाई जाती हैं जिससे जो है उसको भौगोलिक क्षेत्र में ज्योग्राफिकल क्षेत्र में उसकी इंपोर्टेंस को बढ़ाता है लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का भी एक अपना संविधान है जो उसको एक लंबे समय के संघर्ष करने के बाद उन्नीस में, में उसे प्राप्त हुआ क्योंकि पहले वहाँ अपारधाइट पॉलिसी थी वहाँ ब्रिटिश रूल था गोरों की सरकार थी व्हाइट गवर्नमेंट थी जो वहाँ के जो लोग थे जो नेटिव लोग थे जो वहाँ के मूल निवासी थे उन पर अत्याचार शोषण कर रही थी तो हम जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ के जो नेटिव्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट्स हैं उनको बराबरी का समानता का अधिकार देती है जिससे और उनको उनके कर्तव्य के बारे में बताती है उनकी ड्यूटीज के बारे में बताती है और साथ ही साथ संविधान जो जो अफ्रीका का संविधान है वो वहाँ की सरकार को निर्देश करता है कि कैसे वहाँ की सरकार अपने नागरिकों की रक्षा सुरक्षा और उनके अधिकार सुरक्षित करें बिल्कुल तो जैसे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने समझा तो क्या हम थोड़ा सा इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स में भी समझ सकते हैं इस चीज को बिल्कुल अगर हम देखें हम इसी तरह जो है कोई भी देश का संविधान जैसे हमने पहली चर्चा की थी कि, कि किसी भी देश का संविधान वहां की सरकार और नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों की रक्षा करता है बिल्कुल. हमारा संविधान जो है भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है जो दुनिया के सबसे विशिष्ट संविधानों में गिना जाता है इसका मेन कारण क्या है कि एक लंबे संघर्ष के बाद जो हमारे स्वतंत्रता जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लंबे संघर्ष के बाद हमारा संविधान जो है वो हमको मिला हमारा संविधान हमारे अधिकारों के बारे में बात करता है हमारे कर्तव्यों के बारे में करता है सरकार को किन किन एरिया में काम करना चाहिए सरकार कौन कौन से काम कर सकती है सरकार किन नियमों का पालन करना चाहिए सारे संविधान जो है हमारे उसमें जो है संविधान में कोडिफ़ाई है अगर हम देखें इसको तो जो चर्चा करेंगे संविधान की सारे पूरे दुनिया के जो संविधान होते हैं वो लोगों के नागरिक और उनके अधिकारों की चर्चा करते हैं अगर हम अपने संविधान के भारत के संविधान के प्रस्तावना को देखें तो प्रस्तावना में क्लियर जो है भारत के जो नीति है जो वहाँ के भारत के नीति निर्माता थे उन्होंने जो संविधान बनाया संविधान के बारे में क्या चर्चा करी हम इसमें देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बनाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान समय में आज तारीख 26 नवंबर उन्नीस सौ उनचास को एत द्वारा इस संविधान को अंगित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान ने हमको स्वतंत्रता प्रदान की है हमको सामाजिक न्याय दिए हैं हमको जो है बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है और हमको अपने अपनी मर्जी से अपनी च्वाइस के बेस पे अपने आ, अधिकार सुन अपना बिजनेस चुनने की आज़ादी दी है तो हमारा संविधान जो है आ, बहुत विशिष्ट है और कहीं ना कहीं देखें कि इसकी जो झलक है इसका जो रिफ्लेक्शन है हमारे संविधान का वो कहीं ना कहीं आ, साउथ अफ्रीका के संविधान पे भी पड़ता है बिल्कुल तो हम अगर आसान भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान जो है वो लोगों के जो मूल हित हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके हित में वो सभी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं तो सर क्योंकि आज हम साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका का जब नाम आता है एक अपारथिड हमने ये अक्षर बहुत बार सुना है तो अपार्थिड सिस्टम क्या है ये जो अपारथिड शब्द है इसका क्या मतलब है किसी उदाहरण के साथ अगर आप हमें समझाएँ अपार्थाइट सिस्टम जो है जिसको हम कहते हैं रंग भेद की नीति यह नीति एक एंटी रेशियल व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जो है वहां की जो गोरी सरकार थी जो व्हाइट लोग थे वहां के मूल निवासी जो नेटिव लोग थे उन पर अत्याचार करते थे उनको छोटा मानते थे और वहां के जो एक नेता थे बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे जो है और वो अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका उन्होंने जो है इस इस व्यवस्था के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया और उन्होंने बहुत क्लियरली जो है उनका एक पॉपुलर स्टेटमेंट जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि आई हैव फोर्ट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फोर्ट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन मैंने गौरव के प्रभुत्व के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और मैंने काले के प्रभुत्व की लड़ाई लड़ी तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है अगर हम देखें कि ये व्यवस्था क्यों बनी इसके पीछे कारण क्या थे तो ये जो व्यवस्था थी कि वहाँ की जो गोरी सरकार थी जो वाइट लोग थे उसको वहाँ की व्यवस्था पर कंट्रोल करना चाहते थे और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था करी जिसे अपारथाइट कहा कि जो गोरे जो काले लोग हैं वो हमसे हीन हैं नीचे हैं और उनको हमारे अधिकार बराबर नहीं है जैसे देखेंगे कि जो वहाँ की जो गोरी सरकार थी जो ब्रिटिश गोर जो वाइट सरकार थी यूरोप थी तो उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए जो है घोर अत्याचार करे जैसे जो काले लोग थे वो गोरों के पास में बैठ नहीं सकते थे वो एक साथ में पानी नहीं पी सकते थे उनके जो है स्कूल भी अलग थे उनके सिनेमा में नहीं जा सकते थे रंग के आधार हाँ, पर हाँ, रंग के, आधार पर, के आधार आधार पर पर स्किन इसमें जो है उन्होंने तीन चीजों को देखा पहला व्हाइट जो यूरोपियन लोग थे सेकंड वो लोग थे जो उसमें जो है जो ब्लैक लोग थे जो अफ्रीकन लोग थे और तीसरे वो लोग थे जो इंडियन लोग थे जिनको मिक्स कलर कहा कलर कहा गया तो उन्होंने इंडियन के साथ में भी जो है सेम वही व्यवहार किया वही भेदभाव की नीति करी जो उन्होंने जो है उनके साथ में जो है काले लोगों के साथ में की अगर हम इसको देखें यहां एक एक स्क्रीन पे पिक्चर, एक पिक्चर दिखाई गई है कि जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कितना डेंजरस ये पॉलिसी थी कितनी खतरनाक पॉलिसी थी कि यदि कोई भी ब्लैक और कोई भी इंडियंस अगर गोरो की जो जो वाइट लोग हैं उनकी प्रेमाइसिस में एंट्री करेंगे तो उनको जो है वो मारने के उनको अधिकार था, था सूट एंड साइड था उनके बिल्कुल जो है और मिसिंग कर देते थे, थे मतलब ये सारी व्यवस्था मतलब इतनी क्रूर थी कि मानवता के लिए जो है बहुत ही शर्मनाक थी और इस व्यवस्था का अंत हुआ वहाँ की गोरी सरकार ने संघर्ष किया जो है इसके खिलाफ जो है तो इस तरह की व्यवस्था हम देख सकते हैं कि भारत में भी इस तरह की व्यवस्था रही है अगर हम इसकी तुलना करें तो भारत में भी जाति व्यवस्था एक रही है क्योंकि लेकिन वहां की आधार जो था जो रंग भेद की नीति थी वहां का स्किन था लेकिन यहां क्या जाति सिस्टम था तो हमारे संविधान ने भी जो है जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उन्होंने भी एक संघर्ष के बाद देखा कि यहाँ एक तबका ऐसा है एक वर्ग ऐसा है जिसके लंबे समय से शोषण हुआ और उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए मैन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको जो प्रोविजन दिए गए जो एक आरक्षण का प्रावधान दिया गया और आर्टिकल 17 जो है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है तो हम बहुत देख सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो मानवता के लिए जो है बहुत ही मतलब डेंजरस है और भारत में जो है जब से संविधान लागू हुआ मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से खत्म होगी लेकिन हमारे देश ने ऐसी व्यवस्था पर पूरी तरह कंट्रोल जो है कर, कर, कर लिया है और सभी लोग आज एक साथ में पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं साथ में रहते हैं साथ में नौकरी करते हैं उसका मेन कारण यह है कि यही कारण है कि भारत ने उन्नीस से लेकर नाइनटीन से लेकर टू तक आज भारत एक शक्तिशाली एक राष्ट्र बन गया है एक नेशन बन गया है जिसकी तरफ पूरा दुनिया देख रही है तो ये एक एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे लिए और हमारे लिए, लिए गर्व की बात भी है ले। और सर हमें एक ऐतिहासिक सीख भी मिलती है जी हमेशा के लिए क्योंकि जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं एक कक्षा में अलग अलग बैकग्राउंड से विद्यार्थी आते हैं अलग अलग भाषा बोलते हैं बच्चे तो ऐसे में वो एक इंक्लूसिव अप्रोच रहनी चाहिए सर uh, हम बात कर रहे थे पार्थिव सिस्टम के बारे में तो इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई थी वो नेल्सन मंडेला द्वारा उठाई गई थी द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका तो ऐसा कहा भी जाता है कि uh, महात्मा गांधी जी के जो आइडियल्स हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस थे सो डू यू अग्री विथ दिस हाउ डू वी सी इट यस मैम इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कोई झूठ नहीं होगा कि uh, नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे hmm. इसका मेन कारण क्या है कि जब गा, गांधी जी जो है अफ्रीका गए एटीन में अठारह में तो एक एज ए लायर वहाँ गए एक वकील की से गए लेकिन उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर लोग हैं वो जो अत्याचार भारत में कर रहे हैं वही वहां कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ब्रिटिशर के लिए यूरोपियन के लिए जो वो थे वो ब्लैक और इंडियंस में कोई डिफरेंस नहीं था जैसे इंडिया में एक था कि डॉग्स एंड इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड तो कुत्ते और जो है भारत के लिए जो लोग हैं उनके लिए जो है एंट्री नहीं है ये बहुत ही घिनौनी प्रथा जब उन्होंने वहाँ देखा इसकी ये घटना जो है जब गांधी जी जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने जो है उनको पता नहीं था वहाँ की व्यवस्था के बारे में कि जैसे कि सफ़र कर सकते हैं जर्नी कर सकते नहीं कर सकते लेकिन वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने देखा कि एक इंडियंस जो है उस हमारे साथ में बैठा तो उनको वहां से कंपार्टमेंट से उनको बाहर निकाल दिया गांधी जी ने देखा कि जब मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो यहाँ के लोगों के साथ में जो है किस तरह का व्यवहार हो रहा तो गांधी जी ने जो है उसके खिलाफ इस रंगभेद नीति के खिलाफ जो संघर्ष किया और उन्होंने जो है वहां एक, एक संस्था बनाई जिसका नाम नटाल इंडियन कांग्रेस जो वहाँ के लोगों को गांधी जी ने इकट्ठा किया और गांधी जी ने कहा कि हमें इस व्यवस्था के खिलाफ जो है लड़ना चाहिए क्योंकि ये व्यवस्था बहुत अन्यायपूर्ण है डिस्क्रिमिनेटरी है रिसिस्ट है अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कैसे हम, कैसे हमारे अधिकार मिलेंगे क्योंकि जो वहाँ के जो ब्लैक लोग थे और इंडियंस लोग थे उनको जो है वोटिंग का राइट नहीं था उस जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि वो साथ में बैठ नहीं सकते खा नहीं सकते थे स्कूल भी अलग थे इवन उनके चर्च जो थे जहाँ ब्रिटिशर मतलब जो है व्हाइट लोग जाते थे तो ब्लैक लोग इंडियंस लोग वहाँ उनके चर्च में भी जा सकते थे हुँ. तो आप देख सकते किस कदर दोनों के बीच में जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी एक ओपरेश दूरी थी दोनों दोनों के बीच में अगर जैसे अभी चर्चा करें कि क्या गांधी जी का वहां के अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट पर जो अपार्थाइड एंटी स्ट्रगल था उसमें क्या रोल था तो नेशनल मंडेला जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए और जब गांधी जी वहां से आए नाइनटीन फोर्टी में तो उसी के बाद जो है वहां अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी जिसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि गांधी जी 1940 में बैक आए लेकिन जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है एएनसी का जो फॉर्म हुआ वो 1912 में हुआ उन्नीस सौ में जो कि एक सबसे पुरानी जो है अफ्रीकन संस्था थी जिसने जो है जो रंगभेद की नीति थी अपार था पोली थी उसके खिलाफ जो है संघर्ष किया और इसके जो पॉपुलर लीडर थे नैसल मंडेला वो गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे और ए जो के लीडर थे उन्होंने गांधी जी की जो नीति थी सत्य अहिंसा सत्याग्रह तो सत्याग्रह को नॉन वायलेंस को अपना जो है एक स्ट्रेटेजी माना कि जैसे गांधी जी बोलते थे कि हमें अपने अधिकारों को मांगने के लिए हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा सत्याग्रह जैसे दो वर्ड से मिलकर बना सत्य और आग्रह कि हमें जो है अपनी सत्य बात को मना मनवाने के लिए हमें आग्रह करना पड़ेगा हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जो है वायलेंस नहीं होना चाहिए जो है और गांधी जो है हिंसा की बात कभी नहीं करते थे गांधी जी का एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है एन आई फॉर आई वर्ल्ड बिकेम ब्लाइंड अगर आंख का बदला आंख होगा तो पूरा जो विश्व जो अंधा हो जाएगा तो हम बदले की भावना नहीं रख सकते तो इसी नीति का अनुसरण करते हुए गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए जो वहां के लीडर्स थे उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए जो वहां की व्हाइट सरकार थी उसके खिलाफ संघर्ष किया और अपने अधिकारों के लिए लड़े वो लोग तो इसमें कोई ये नहीं है कि गांधी जी का जो प्रभाव था जो अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट था जो अपार्थाइड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट था उस पर पूरी तरह प्रभाव था हम झलक देख सकते हैं इसमें और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया कि वहां के जो सभी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं लेकिन गांधी जी ने अफ्रीका के लोगों के लिए जो हमारे उनकी समस्या और हमारी समस्या मोरल सेम थी तो उन्हें अपना भाई मानते हो उनके अधिकारों के लिए लड़े तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम देख रहे थे कि आ, वो जो भी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी जैसी सिचुएशन थी और भारत में भी कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस सिचुएशंस थी और उनसे लड़ने का या उन्हें ओवर पावर या ओवरकम करने का तरीका यही था एक व्यवहारिक बदलाव तो जैसे हम समझ रहे हैं कि अपाथड के खिलाफ लड़ाई हुई अपाथड सिस्टम को ख़त्म किया गया तो एक व्यवहारिक बदलाव है तो हम देखते हैं सर कोई भी बदलाव जब लोगों में किया जाए और ख़ास तौर पर एक ऐसा बदलाव जो आपकी सोच में लाने की ज़रूरत है तो so, क्या लोग उसे इजिली एक्सेप्ट करते हैं क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में क्या लोगों ने इजिली इस तरह के uh, बदलाव को एक्सेप्ट किया जो ऑपरेट सेक्शंस हैं जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या उनके साथ बैठ के खाना खाना वाज yes, इट नॉर्मल फॉर देम आफ्टर आफ्टर द सिस्टम वाज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड और बैंड यस मैम जब रंगभेद नीति के खिलाफ अपर सिस्टम के खिलाफ जब एक मूवमेंट रेज हुआ तो वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने समझ लिया कि अब समय नहीं रहा कि हम इनके ऊपर जो है और अत्याचार कर रहे हैं तो हमें उनकी जो गोरी सरकार थी जो वाइट लोग थे उनको समझ में आ गया कि अब हमको कालू को जो वाइट जो वहां के मूल निवासी हैं नेटिव्स हैं उनको अधिकार देना ही होगा लेकिन उन दोनों के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था ये था कि क्या गोरे लोग उनको जो काले लोग हैं उनको अधिकार देने के लिए तैयार हैं या नहीं है बिल्कुल या फिर या काले लोग जो है क्या बदला ले, लेंगे क्योंकि उनके ऊपर तो भीषण अत्याचार हुए हैं बिल्कुल तो ये जो पॉलिसी मेकर थे उनके सामने ये जो दो क्वेश्चन थे मतलब उनके सामने एक चट्टान की तरह पहाड़ की तरह आए कि इन समस्याओं का समाधान कैसे कैसे हुआ बिल्कुल। तो उन दोनों ने सोचा कि जो है आ, वहां के जो नेता थे उन्होंने कहा कि कि जो लोग हैं जो ब्लैक लोग हैं जो ब्लैक लीडर्स हैं उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है बदले की भावना छोड़िए और भूल जाइए और आइए मिलकर हम एक साथ में काम करते हैं उससे जो है जैसे अभी स्क्रीन पर दिखाया दिख रहा है कि ने मंडेला ने कि, किस तरह से जो है उस बात को रखा और अपने जो है जो लीडर्स थे उनके उनको बताया कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसे उन्होंने कहा हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीड इन नेगोशिएशन एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एक्जेक्ट बिकॉज वी आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द गोल्ड गुडनेस इन द क्योंकि जो जो कट्टर दुश्मन थे वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि आओ मिलके बात करें और देखें हम कि कैसे हमें एक जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक स्टेट्स है वो कैसे बनाएं कैसे हम इस बात की जो है डिसाइड करें निर्णय करें कि जो दो लोग हैं एक वो जिनका शोषण हुआ दूसरे जिन जिनपे शोषण हुआ है तो कैसे उनको आपस में बातचीत करें बहुत लंबे संघर्ष के बाद बातचीत के बाद दो साल में जो है गहन जो है चर्चा हुई डिस्कशन हुआ डायलॉग हुआ और वो लोग फाइनली इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम जो हैं अब इस हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि वहाँ इस तरह की सरकार बनी जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट ने मिलकर दोनों ने एक साथ काम किया और अपने अधिकारों को सुरक्षित किया तो ये एक बहुत इतिहास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है और अगर हम देखें इसको तो नैनसल मंडेला ने कहा कि उनका बहुत हिस्टोरिकल स्पीच था जैसे उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए क्योंकि दोनों के एक दूसरे को सज्जनता पर पूरा भरोसा था वे इसे मानते मानने को तैयार थे कि मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखेंगी मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच था एक भाषण था अपने लोगों के लिए कि आप अपनी अच्छाई को मत छोड़िए आप भूल जाइए कि आप पे अत्याचार हुए हैं और उन लोगों से कहा कि आप अपनी जो विचारधारा है अपनी सोच बदलिए हमारे हित जो है एक साथ चलने में है न कि विरोध में बिल्कुल बिल्कुल और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में भी जो सीख सकते हैं और ये व्यवहारिक बदलाव अपने अंदर भी लाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हमें एक ऐसे समाज की और अग्रसर होना है ऐसे समाज की और आगे बढ़ना है जहाँ पर समावेशीकरण की बात हो जहाँ पर हम सभी को एक साथ लेकर जा रहे हैं बिकॉज टुगेदर वी ग्रो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इतनी विशेष जानकारियाँ आपने हमारे साथ साझा की हैं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग दीज इनसाइट थैंक यू सो मच नमस्कार और जितने भी दर्शक आज हमारे साथ बने हुए थे कक्षा नौवी के विद्यार्थी खास तौर पर हमारे इस चर्चा में हमें पूरी उम्मीद है पर आपको बता दें कि हमारा अगला सत्र जो है वो रहेगा मैथमेटिक्स का कक्षा नौवीं के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि हम बातचीत करने वाले हैं सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पार्ट वन सो स्टे कनेक्टेड नमस्कार